अस्सलाम वालेकुम, नामपल्ली के रहने वाले हैं। आप लोग हम लोगों को 50,000 की मदद करें, आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत परेशान थे हम लोग, कपड़े सीने को नहीं थी उनके पास मिशन, इतना खुश हो गए मेरे हस्बैंड। 50,000 की मदद आ गई हम लोगों को, और 20,000 की होना है। अल्लाह आप लोगों को सहत दियो, हर मुश्किल आसान करो आप लोगों की। मेरे बच्चों की स्कूलों की फ़ीसा बाकी है, घर का खर्चा किराए बाकी है। आप लोग 20,000 की मदद करें तो आप लोगों की मेहरबानी, जितना हो सके इतना जल्दी मदद करिए हमारी। और 20,000 की 50,000 की आ गई हम लोगों को मदद। अल्लाह आप लोगों की हर मुश्किल को आसान करो, हर तकलीफ को दूर करो, सहायत दियो। अल्लाह अपन आपकी जो कमाई कमाते हैं, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दियो, हर मुश्किल आसान करो आप लोगों की हमारी, जितना जल्दी हो सके। और 20,000 की मदद करिए हमारी। अब अस्सलाम वालेकुम, मेरे को मदद मिल गई मैडम के थ्रू। पूरा सामान ला लिया मैं, पूरा A to Z जो जो मेरे को ज़रूरत थी, मशीन्स, बटन, ये कपड़े बटन बनाने की मशीन्स है, पूरा हर चीज़ ला लिया हूँ, इस्त्री ला लिया हूँ, जैसा बुटीक में इस्तेमाल होता काम वैसी कर लूँ। अल्लाह आपको सेहत दे, मैं हर दम दुआ करूँगा। अब मैं रोज़ी रोटी से लग गया, कटिंग काउंटर नहीं था, मैं नीचे बैठ के कटिंग कर रहा था, जिसके वजह से मेरे को घुटनों में दर्द था। कटिंग काउंटर आ गया, इस्त्री आ गई, कैंची आ गई, हर चीज़ आ गई, पूरा इंतज़ाम हो गया मेरा रोज़ी रोटी का। सिर्फ अभी 20,000 की ज़रूरत है, अगर वो मिल जाते तो मेरे को घर का किराया जो अखराजात है घर के वो हो जाता है। इसके बाद मैं काम शुरू कर लिया तो कंटिन्यू मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आइंदा से। आपके हक में बराबर दुआ करूँगा, जितने भी जने देख रहे वीडियो, मदद करिए हमारी, 20,000 की ज़रूरत है। और ये जितना भी दिए हैं सब जने, जो भी भाई हजरात, बहन भाई, जो भी मदद कर रहे हैं, जिससे मैं रोज़ी रोटी से लग गया, उनको हमेशा दुआ दूंगा मैं। हर हमेशा मतलब आज से जो काम शुरू करूँगा, हर हमेशा दुआ मिलते रहेंगी आपको। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मेरी मदद करे। बस हमारा मकसद ये है कि ऐसे सही हकदार लोग हैं, ऐसे बाकी में जो मुस्तहिक बहुत ही ज़्यादा मजबूर लोग होते हैं, जो सिर्फ 15,000, 20,000, 50,000 के लिए मजबूर होते हैं, तो ऐसे लोगों को हर किसी की मदद मिलती रहे। और आप लोग से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें कि खिदमत खलुशन जिस तरीके से हमेशा काम करते आया है, आगे भी अपना काम करता रहे। और मैं भी आप लोगों की इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों की जो उम्मीद है उसको मैं कभी ना तोड़ूँ। बस मेरे यही मकसद रहा है और आगे भी मेरा मकसद यही रहेगा। और बस आप लोगों से दुआओं की गुजारिश करती हूँ। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।